सोनाली बिल्डर्स गुना, हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य उचित दामों में किया जाता है। हमारे यहाँ विद मटेरियल कार्य मात्र 1250 से शुरुआत, प्रीमियम कंस्ट्रक्शंस फिनिशिंग के साथ। अभी बुकिंग पर 3D एलिवेशन एवं संबंधित सारे नक्शे बिल्कुल। इंटीरियर एवं वास्तु क्रय हेतु एक्सपर्ट्स टीम, सभी बैंकों द्वारा होम लोन हेतु संपूर्ण सुविधा मुक्त। हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। मैनेजिंग डायरेक्टर तरुण कुमार जैन 9839-9893057151। इंजीनियर विकास झा 8770089448। दिनांक 28/7/2023 से 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता नाइस बैडमिंटन अकादमी कस्तूरबा नगर व मास्टर गेम्स एसोसिएशन गुना के तत्वाधान में अमानत खान साहब जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन एवं कार्यकारिणी सदस्य मास्टर गेम्स फेडरेशन इंडिया तथा मध्य प्रदेश मास्टर गेम्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार यादव और संजय शर्मा मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 30/7/2023 को AR खान साहब मास्टर गेम्स एसोसिएशन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मास्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता में 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के आयु वर्ग के खिलाड़ी ने भाग लिया। 35 से 40 वर्ष की आयु वर्ग सिंगल्स में श्री अजय तोमर और मोनू भार्गव के बीच मुकाबला हुआ। संघर्षपूर्ण मुकाबले में मोनू भार्गव ने 3 सेटों में 2-1 से अजय तोमर को परास्त कर अपने आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार 40 से 45 आयु वर्ग सिंगल्स में अरविंद योगी अशोकनगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 40 से 45 आयु वर्ग सिंगल में गोल्ड प्रेमी अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 40 से 45 आयु वर्ग सिंगल में गोल्डी प्रेमी अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 50 से 60 आयु वर्ग के सिंगल्स में प्रदीप शर्मा अशोकनगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 35 से 40 आयु वर्ग के इसमें अजय तोमर और अर्पित अग्रवाल और आशीष जैन और प्रबल प्रताप जाट के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में अजय तोमर और अर्पित को आशीष जैन और प्रबल प्रताप जाट ने 3 सेटों के मैच में से 2-1 से पराजित कर आशीष जैन और प्रबल प्रताप गुना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार अख्तर खान और दुर्गेश सक्सेना व रवि तिवारी और गोल्डी प्रेमी अग्रवाल के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अख्तर खान एवं एंड पार्टनर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया। 50 साल के प्रदीप शर्मा गुरु अशोकनगर और पंकज श्रीवास्तव और चरण सिंह बग्गा और अनिल ग्रोवर के बीच मुकाबला हुआ। संघर्षपूर्ण मुकाबले में प्रदीप शर्मा एंड पार्टनर ने अपने ग्रुप में स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार 40 से 45 में संतोष सोनी जितेंद्र शर्मा और प्रदीप शर्मा पंकज श्रीवास्तव के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें संतोष सोनी और जितेंद्र शर्मा द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन खिलाड़ियों ने अपने आयु वर्ग में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अंत में मास्टर गेम एसोसिएशन गुना AR खान साहब द्वारा मुख्य अतिथि महोदय एवं समस्त उपस्थित खिलाड़ियों का आभार व्यक्त कर सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई और अपेक्षा की गई। इसी प्रकार का सहयोग सभी खिलाड़ियों से मिलता रहे। मंच का संचालन KB तिवारी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश मास्टर्स गेम्स एसोसिएशन के बैडमिंटन चेयरमैन नईम खान द्वारा बताया गया कि भविष्य में और इसी तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। यहाँ नाइस बैडमिंटन एकेडमी में बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल का समापन हुआ। मेरे साथ मास्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सदस्य एवं मध्य प्रदेश एथलेटिक्स मास्टर एसोसिएशन का मास्टर गेम एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मास्टर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारी राष्ट्रीय संस्था है और ये मास्टर गेम जो है वर्ल्ड लेवल पे होते हैं। वर्ल्ड मास्टर गेम्स भी होते हैं और एशियन मास्टर चैंपियनशिप के गेम होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। इसमें 35 साल से हर 5 साल के बाद टूर्नामेंट की आयु बदल जाती है। 35 से 40 से 45 90 साल तक 95 साल तक के इसमें भाग लेते हैं। गुना में जहाँ तक सवाल है, नहीं मैंने इसको कराया, ये हमारे मध्य प्रदेश बैडमिंटन विंग के चेयरमैन हैं और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि इन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया। हमारा प्रयास है कि इनसे लिखकर हम पूरे मध्य प्रदेश में हमारी शाखाएँ हैं, कई बिरयानी कई जगह हमें अपनी यूनिट्स को बनाना है
लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया। वो खिलाड़ी का परफॉर्मेंस भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इस उम्र में भी बहुत अच्छा वो खेल रहे, बहुत अच्छा। मुझे यकीन है कि ये अगर इसके अगर नेशनल में आएंगे तो जरूर मध्य प्रदेश के लिए ये नेशनल पदक जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है खेल को देखने के बाद। तो इसी तरह से हमारे क्योंकि ये मास्टर गेम वर्ल्ड मास्टर गेम फेडरेशन 1985 से अस्तित्व में है, लेकिन भारत में इसका प्रथम दिवस से हुआ। अभी पिछले 4 नेशनल हुए, इस साल 5वां नेशनल कराएंगे। तो हमारा प्रयास है कि मास्टर गेम की पहचान पूरे इंडिया में बने। सरकार तक भी हमारी बात पहुंचे, और जैसे सरकार ने 13 लोगों को सुविधाएं देना शुरू की है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार मास्टर्स को भी सुविधाएं देगी, उनको भी अवार्ड देगी। और मैं इसके इस टूर्नामेंट के लिए नईम भाई, उनके अध्यक्ष खान साहब, कोषाध्यक्ष जो हमारे कार्यकारी के सदस्य तिवारी जी, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट आयोजित किया। और आने वाले समय में ये अच्छा करेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि स्टेट लेवल का बैडमिंटन के साथ 2-3 खेलों का आयोजन गुना में हो। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद नहीं भाई, ये टूर्नामेंट का आयोजन आपके मास्टर गेम्स एसोसिएशन के अंतर्गत सभी ये ग्रुप के सभी एज ग्रुप के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश में मेडल्स लाने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए सभी खिलाड़ियों को यहाँ से गुना जिले से निकालकर संभाग और स्टेट के स्तर तक लेके जाना मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। बैडमिंटन के अलावा सारे गेम्स में मास्टर्स भाग लें और आगे। हम मध्य प्रदेश के बैडमिंटन के मास्टर के चेयरमैन भी हैं, तो क्या अगली योजना है आगे के लिए? भविष्य में और टूर्नामेंट्स कराएंगे, 50+, 90+ सारे टूर्नामेंट्स, 50 से जितने भी हैं 50+ टूर्नामेंट कराएंगे। ऑफिशियल टूर्नामेंट भी कराने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को ऐसा मौका मिले। 45 वर्ष की उम्र की कैटेगरी में आप विजेता रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस उम्र में मास्टर्स के लिए? अच्छी खुशी हो रही है। नाइस बैडमिंटन क्लब के तत्वावधान में यहाँ पर बैडमिंटन अलग अलग आयु वर्ग में मैच रखे गए थे, जिसमें 40 से 45 वर्ष में मैं और मेरे साथी संतोष सोनी जी द्वारा फाइनल विजेता रहे। प्रसन्नता हो रही है, स्वस्थ स्पर्धा है और ऐसी स्पर्धाएँ होना चाहिए जिससे आने वाली दूसरी पीढ़ी है। अब तो हम लोग तो मास्टर्स में चले गए हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिलेगी, जाहिर प्रसन्नता हो रही है। इसके बिना रहे तो हमें तो बहुत बहुत बधाई है। लॉट तो नहीं, सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने ऐसा टूर्नामेंट आयोजित किया और हम सबको खेलने का मौका दिया। आई होप आगे भी ऐसा ही करते रहें, हम लोगों को थोड़ा अप्रिशिएट। बच्चों की उम्र में मास्टर्स खेलते हैं? अरे नहीं सर, आपका कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे छोटे ही। कैसा लग रहा है जीत के? मैं तो बयान नहीं कर सकता, पहला टूर्नामेंट था, पहली बार उतरा था, तभी तो फिलहाल शब्द नहीं है। लेकिन नईम भैया को थैंक यू बहुत बहुत कि उन्होंने मौका दिया, तो खेले मेहनत कीजिए। मास्टर्स गेम्स का ये नया संस्करण जो कि गुना में चालू हुआ बैडमिंटन के लिए आगे भी टूर्नामेंटों का आयोजन करते रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। कई वर्षों से जहरीले जीव जंतु पकड़कर जंगलों में छोड़ते आए हैं। सर्प मित्र दिनेश इलाहाबादी रागोगढ़ के आज सावन के चतुर्थ सोमवार के दिन उनके द्वारा कोबरा धामन और मोनिटर लिजार्ड जैसे गोयरा भी कहा जाता है का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। उनका कहना है कि हर सांप जहरीला नहीं होता और आप अगर सांप काटे तो झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े बल्कि सीधे अस्पताल जाकर अपना इलाज कराएं। लगभग 10 सालों से जहरीले जीवों को पकड़ते आए हैं दिनेश, उनसे बात की हमारे सिटी चैनल सहयोगी कुलदीप कश्यप ने। आज हम सब सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ दिनेश इलाहाबादी जी हैं और ये राहुगढ़ में इनका नाम प्रचलित है सांप पकड़ने के लिए। आज सावन का सोमवार, चौथा सोमवार भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप सांप पकड़ने का काम है और जो भी जहरीले जानवर होते हैं वो आप पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो लगभग आप कितने सालों से ये काम करते आ रहे हैं? जी लगभग मैं वैसे तो 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तब से ज़्यादा प्रचलित हो गया हूँ 2-3 साल से, लेकिन मैं पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। आपने अपने 10 वर्षों के सांप पकड़ने के काम में आपने कौन कौन से ऐसे सांप पकड़े जो बहुत मतलब जहरीले थे और जो खतरनाक है लोगों के लिए? वैसे तो सबसे ज़्यादा अपने एरिया में स्पेक्टिकल कोबरा जो नाग बोलते हैं अपन देसी भाषा में,
तो नाग महाराज को ज़्यादा रेक्सू किया है, इसके बाद में रसल वाइपर, और इसके बाद में कॉमन क्रेज साइलेंट किलर जेई जहरीले सांपों का रेक्सू किया है, और बाकी के सब नॉन वेनमस सांप होते हैं, दामन हुए और अपने कैट स्नैक हुए और अपने ये वाटर स्नैक हुए और अपने ये भुरभुरा सांप हुए, ये बाकी के सब नॉन वेनमस होते हैं। मैंने काफ़ी प्रजातियों का सांपों का रेक्सू किया है अभी तक लगभग 40। अपने गुना जिले में सबसे ज़्यादा कौन से सांप की संख्या पाई जाती है, कौन सा सांप ऐसा है जो अपने गुना जिले में सबसे अधिकाधिक रूप से पाया जाता है? अपने गुना जिले में सबसे ज़्यादा यही कोबरा सांप पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक वेनम का होता है कोबरा सांप, और बाकी के इसके बाद में रसल वाइपर, और फिर इसके बाद में जो नॉन वेनमस होते हैं अपने धामन सांप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अपने गुना जिले में। अभी अपन ने कुछ समय पहले दो सांप और एक मॉनिटर लिजार्ड का यहाँ अपन ने प्रकृति में आके छोड़ा है, जंगल के बीच में छोड़ा है, तो उन सांपों के बारे में आप थोड़ा बताएं। जी, जो हमने एक मॉनिटर लिजार्ड जो गोरा बोलते हैं उसको अभी यहाँ पर रेक्सू किया है पर्यावरण में, तो वो सांप वो गोरा जो बिना जहरीला होता है, लेकिन इसके पीछे अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है। लोग बाग इसका बोलते हैं कि जे अगर काटने के बाद में इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। मुझे कई बार काटा है, ये सब अंधविश्वास चीज है। और दूसरा धामन सांप जो कि पेड़ों पे चढ़ता है और किसानों के खेतों में रहता है सबसे ज़्यादा धामन सांप, इसको रेड स्नेक भी बोलते हैं और किसान मित्र भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना जीवन चूहा वगैरह खा के यापन करता है और किसानों की फसलों की रक्षा करता है, इसलिए उसको किसान मित्र बोलते हैं। और वो सांप बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, उसको भी बहुत लोग अंधविश्वास में रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब सांप काट लेता है तो लोग झाड़ फूंक वगैरह ये जी तो उसमें पड़ जाते हैं, तो आप लगभग 10 वर्षों से ये कार्य करते हैं, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि झाड़ फूंक में पड़ना चाहिए या हम लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए? जी, अपन को बिल्कुल हॉस्पिटल जाने चाहिए, मेरा तो निवेदन सबसे यही है। जो भी ये वीडियो जो चैनल देख रहा है उस सभी लोगों से दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी भी को भी अपने आस पड़ोस या कहीं पे भी ग्रामीण क्षेत्रों में सांप काटे तो तुरंत उसको जिला हॉस्पिटल ले जाए, वो चाहे जहरीला हो चाहे बिना जहरीला हो, क्योंकि झाड़ फूंक से कई लोगों की हमारे भारतवर्ष में अभी तक मौतें हो रही हैं और हर वर्ष कम से कम 30-40 हज़ार मौतें होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विधायक प्रतिनिधि और वर्तमान में बाढ़ टीम से पार्षद श्रीलाल कुशवा जी। श्रीलाल जी, मैंने सुना है कि कुछ समय पहले आपके घर पर भी सांप निकला था। जी, हमारे आदरणीय सर मित्र दिनेश सैनी जी के माध्यम से उसको रेस्क्यू किया गया था और हम उसको जंगल में लाके उन्हें रिलीज कर दिया। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था, मगर जब हमारे ये दिनेश भाई को देखा तो बड़े ही निडर आदमी है वो और बहुत अच्छे आदमी है। मैं समझता हूँ कि अभी तक वो ऐसे रावण में ऐसे कई घरों से सांप को वो पकड़ चुके हैं और जंगल में रिलीज कर चुके हैं, इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए और ऐसे लोगों को हमारे रावण को बहुत सख्ता बढ़ सकता है। आज सोमवार के चौथे माफी चाहूँगा श्रावण मास के चौथे सोमवार का शुभ दिन है, भगवान शंकर जी का दिन है। इस अवसर पर मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि सांपों को मारे ना, सांप यदि किसी को काट ले तो अस्पताल में जाएं और इलाज कराएं और सांपों को कतई ना मारें। हम सभी का बस चैनल के माध्यम से यही कहना है और हम लोग चाहते हैं कि सभी जीव इस प्रकृति के स्वतंत्र जीव हैं और हमारे जो भाई हैं बहुत लंबे समय से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये अपना एक बार आपका मोबाइल नंबर सभी को बता दें, ऐसे कभी आपको राघोगढ़ में लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े तो आपसे संपर्क कर सकें। जी, मेरा नाम दिनेश सैनी है और मेरा मोबाइल नंबर 9165970789 और इंग्लिश में 9765979970789 और मेरा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डी के सैनी के नाम से है, जिसमें मेरा नंबर चलता है वीडियो में। आप कहीं भी सांप देखे तो तुरंत मुझे सूचना करें। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।
गुना जिले का सबसे बड़ा शासकीय पीजी कॉलेज में लगातार अनियमितताओं अव्यवस्थाओं को लेकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 31 जुलाई सोमवार को पीजी कॉलेज में तालाबंदी करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं प्राचार्य बीके तिवारी को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुड़ों से विकास शेवरे ने बताया कि पीजी कॉलेज में 12 बजे तक ताला लगा रहता है। प्रोफेसर अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। ऐसे जिले के 60 से 70 किलोमीटर दूर से आने वाले छात्र परेशान होते हैं। पीजी कॉलेज में सफाई व्यवस्था सहित छात्रों को बैठने एवं अन्य अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पीजी कॉलेज में तालाबंदी की और प्रचार को ज्ञापन देकर कहा कि छात्र संगठनों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन को मात्र कागज का टुकड़ा ना समझे, जो मांगे रखी जाती हैं उनको गंभीरता से लेते हुए मांगों पर कार्यवाही भी की जाए, अन्यथा छात्र संगठन आगामी समय में और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। भैया आज आपने नारेबाजी की तालाबंदी की कॉलेज में, क्या समस्या को लेकर? आज से 7 दिवस कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर, जैसे स्वच्छता व्यवस्था, टीचरों का कभी भी आना कभी भी चले जाना, और 2 बजे से परीक्षा होती है कॉलेज में, साधारण 12 बजे से कॉलेज चारों तरफ से बंद करके, और कहता है कि मीनागंज चटोरा के बच्चे उनको ऐसा कैसा लौटा देता है। ऐसी हजारों सैकड़ों मांगों के साथ एबीवीपी ने एक ज्ञापन दिया था और प्रचारों को अवगत कराया था कि 7 दिवस के भीतर भीतर इन सभी ज्ञापनों पर कार्रवाई कर हमें यह जानकारी दें कि आपने क्या क्या मांग कर दिया। और कॉलेज के बच्चा या तो सोए हुए थे या नींद में थे, उनने ना किसी विषय से, ना किसी कार्यकर्ता से इस विषय में चर्चा की और ना ही कोई काम कॉलेज में धरातल पर हम लोगों को देखा। उसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में तालाबंदी कर कॉलेज के प्रचार को ही अवगत कराया कि एबीवीपी के ज्ञापनों को मात्र ज्ञापन न समझे, उन पर तुरंत कार्रवाई कर रहे, वरना आगे से और बड़े प्रदर्शन आंदोलन एबीवीपी करेगी। धन्यवाद। विकास शिवरे, जिला संगठन एबीवीपी। नवागत कलेक्टर तरुण राठी ने ली प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक और बताई अपनी कार्यों की प्राथमिकताएं। शासकीय योजनाओं का अधिकतम लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें, कलेक्टर सभी अधिकारी लोगों की समस्याओं के प्रति बने संवेदनशील। नवागत कलेक्टर तरुण राठी द्वारा आज शाम 6 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत प्रथम कौशिक, अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा सहित अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के दायित्वों को पूरी गंभीरता से निर्वहन करना बैठक के दौरान पहली प्राथमिकता बताई गई। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रारंभ होना है। इसी प्रकार दूसरी प्राथमिकता है सरकार द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाना। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए वर्षभर की योजनाओं के लक्ष्य चुनाव से पूर्व करना हमारा दायित्व है। सभी विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने विभाग से संबंधित कार्यों को ठीक ढंग से करें और कम समय में अधिक परिणाम दे। किसी भी योजना में हम पीछे नहीं रहें, जनता के प्रति संवेदनशील रहें। तीसरी प्राथमिकता है लोगों के समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनना होगा। सीएम हेल्पलाइन का निराकरण संतुष्टिपूर्ण तरीके से कराया जाए। सभी अधिकारी फील्ड का दौरा करें और अपने अधीनस्थों को भी दौरा करने के लिए भेजें। अधिकारी वही अच्छा है जो अधिक से अधिक दौरे पर जाए, इसकी तैयारी करना सुनिश्चित करें। हमारे जिले की रैंकिंग सभी योजनाओं में अच्छी होनी चाहिए। उज्जैन के लिए निकली बाबा महाकाल की पालकी पदयात्रा, 15 अगस्त को पहुंचेगी उज्जैन। बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन के लिए गुना से पहली बार आज बाबा महाकाल की पालकी यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 4 जिलों से निकलते हुए 15 अगस्त को उज्जैन पहुंचकर यात्रा संपन्न होगी। महाकाल पदयात्रा सेवा संगठन द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज सावन के सोमवार को पंचमुखी हनुमान पर सुबह पार्थिव रुद्राभिषेक व विधि विधान से पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शहर में जगह जगह पालकी में विराजमान बाबा महाकाल के स्वरूप की पूजा अर्चना और आरती करते हुए यात्रा में शामिल धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत किया गया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अभी रोड से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रही है। बाबा महाकाल की पालकी पदयात्रा के यात्रा संयोजक पंडित कमल किशोर शास्त्री ने बताया कि ये पहला अवसर है जब नगर से बाबा महाकाल के उज्जैन के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है। आज सुबह पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पार्थिविक रुद्राभिषेक और पूजा के साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर यात्रा शुरू की गई है। आज यात्रा का पहला पड़ाव रुठियाई में होगा। कल मंगलवार को रुठियाई में सुबह सुबह भांडेर का आयोजन होगा और एबी रोड होते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। इस दौरान रुठियाई, राघुगढ़, कुंभराज, आवन, गावरी, बीनागंज आदि में नगर के अंदर से भी यात्रा निकाली जाएगी। बा,
हमारी यात्रा आरंभ हो गई है। नगर में सभी नगर वासियों के द्वारा स्वागत पूजा अर्चन की जा रही है। यह यात्रा इसी तरह सभी नगरों और शहरों से होते हुए 15 दिन में आज से आरंभ होकर के 15 अगस्त को उज्जैन में पहुंच करके वहां पर 1,25,000 पार्थिवेश्वर अभिषेक करके भंडारे के साथ इस यात्रा का आरंभ होगा। आप सब साथियों का, बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। बंधन जो इस यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। यात्रा आज आज कहाँ पे पड़ाव है? आज रुठाई, पहला पड़ाव हमारा रुठाई है। ट्रैफिक थाना स्टाफ ने TI उमेश मिश्रा को दी विदाई। यातायात थाना प्रभारी TI उमेश मिश्रा को थाना स्टाफ द्वारा विदाई दी गई और थाने में उनके कार्यकाल की सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों जिले में पदस्थ 6 TIO के जिले से बाहर ट्रांसफर हुए हैं। इनमें ट्रैफिक थाना प्रभारी उमेश मिश्रा का नाम भी शामिल है। थाना स्टाफ द्वारा रविवार शाम को यातायात थाने पर कार्यरत आयोजित कर TI मिश्रा को समारोह पूर्वक विदाई दी। शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। वहीं उनकी कार्यशैली की पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशंसा की गई। इस मौके पर थाना स्टाफ सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरे इस जिले में मैं 5 वर्ष पूरे करने के बाद अब ट्रैफिक थाने से जा रहा हूं। शहर के अन्य थानों में, जिले के अन्य थानों में, कोतवाली में, कैंट में, म्याना में, सभी जगह रहा। जैसा कि अभी किसी ने बताया था कि मैं बीच बीच में ट्रैफिक थाने में आता रहा हूँ, तो जब अन्य थानों से थक जाता था तो यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आता था, क्योंकि ये ट्रैफिक की जो कार्रवाई है, और अन्य थानों में आप अगर नौकरी करोगे तो ट्रैफिक में बहुत रिलैक्स नौकरी है। अपने को पॉइंटों पर रोड पर खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बाकी कोई ज़्यादा ऐसी समस्या है, मुलजिम को नहीं पकड़ना, गिरफ्तारियाँ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो ट्रैफिक का थाना मेरे ख्याल से बहुत रिलैक्स थाना है, और मैंने यहाँ 5 वर्ष के कार्यकाल में 3 बार मैं ट्रैफिक पर रहा हूँ, और यहाँ पे सभी पूरे स्टाफ का अच्छा सहयोग मिला, और कोई भी समस्याएं आती थी तो DSP सर के निर्देशन में VIP ड्यूटियाँ, त्योहारों की ड्यूटियाँ बहुत अच्छे से संपन्न हुई हैं, और सभी ने बहुत मेहनत की है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन आप लोगों ने रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 57 सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई। आज 31 जुलाई 2023 को अपनी रेल सेवा से निवृत्त हो रहे 57 रेल कर्मचारियों को आज मंडल कार्यकर्ता में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी द्वारा अंतिम निपटारा राशि का NEFT के माध्यम से भुगतान, रेलवे पेंशन पोर्टल IPAS के द्वारा भुगतान आदेश प्रपत्र एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मानार्थ पास पहचान पत्र तथा उदारीकृत मेडिकल सुविधा कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक रश्मि दिवाकर, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, मंडल क्रमिक अधिकारी विजय सिंह सहित सहायक लेखा एवं पश्चिम मध्य रेल मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे, पश्चिम मध्य रेल अप्लाई यूनियन के अध्यक्ष TK गौतम तथा क्रमिक एवं लेखा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकेशन सिस्टम का किया विरोध। मुख्यमंत्री के नाम गुना कलेक्टर को दिया ज्ञापन। गुना जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में विभाग में लागू किए गए लोकेशन सिस्टम का विरोध करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गुना कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कार्यकर्ताओं की केंद्रों पर उपस्थिति दर्ज कराने मोबाइल के माध्यम से हाल ही में लोकेशन सिस्टम लागू किया गया है, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसके साथ ही वेतन मानदेय से संबंधित समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री के नाम गुना कलेक्टर को जिले की आरोन, राघोगढ़, चांचोड़ा, बीनागंज, कुमराज, बमौरी, मकसूदनगढ़ सहित जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। जी बताइए, आज जो आपने ज्ञापन दिया किस संदर्भ में दिया? मैं श्रीमती सुनीता बंजारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संबद्ध भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश मंत्री। आज जो हमने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के को कलेक्टर महोदय के माध्यम से, हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में हम कार्यकर्ताओं की लोकेशन चालू की गई है, उस लोकेशन को बंद करवाई जाए। ये महिलाओं के लिए अव्यवहारिकता है। इसी के लिए आज हम एकत्रित हुए। भवन किराया हुआ, हमारा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय हुआ 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक दिया जाए, जो डाटा यूज़ करते हैं हम लोग मोबाइल से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं और भी ऑनलाइन के काम करते हैं, उसका डाटा के राशि जमा करें हमें,
और इसके अलावा हम कार्यकर्ताओं को, जो मिनी कार्यकर्ता हैं हमारी, उनके बारे में विशेष आज हम एकत्रित हुए हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, तो उनको भी मेन कार्यकर्ता के बराबर मान दिया जा रहा है। यही कि उनके पास सहायिका भी नहीं है, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके पास सहायिका नहीं होती, तो पूरा काम वही करती हैं, बच्चों को बुलाना, पोषण आहार देना, अपने रेस्टोरेंट मेंटेन करना, सारी सुविधाएं, सारी मतलब आंगनवाड़ी की जो होती हैं सारे काम वही करती हैं, तो उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको भी मेन कार्यकर्ता के बराबर दर्जा दिया जाए। दुर्व्यवहार किस श्रेणी में आ रहा है आप जैसे दुर्व्यवहार बोल रहे हैं? अभी जो हमारा मानदेय बढ़ा था तो उनमें मिनी कार्यकर्ताओं का कुछ उसमें नहीं हो पाया, इसलिए दुर्व्यवहार कह रही हूँ। ठीक है। कलेक्टर का तबादला, गुना के नए कलेक्टर होंगे तरुण राठी। प्रदेश में चुनावों से पहले चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया के क्रम में कलेक्टर फ्रैंक नोबले का स्थानांतरण भी हो गया है। अब 2010 बैच के आईएएस तरुण राठी गुना के नए कलेक्टर होंगे। इससे पहले जिले के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के तबादले हो चुके हैं। वहीं पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर फेरबदल हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने बीती रात 18 आईएएस अफसरों के तबादले आदेश जारी किए हैं। इनमें 5 जिलों के कलेक्टर और 4 संभागों के कमिश्नर बदले गए हैं। इनमें गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबले को भोपाल नगर निगम में कमिश्नर बनाया गया है। वहीं उनके पास मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। फ्रैंक नोबले की जगह 2010 बैच के आईएएस तरुण राठी अब गुना के नए कलेक्टर होंगे। वह अभी मध्य प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक थे। इससे पहले राठी 2017 में पड़ोसी जिले शिवपुरी के कलेक्टर रह चुके हैं। कैंट गौशाला में बदतर स्थिति में रहने को मजबूर गाय। गौ सेवकों ने किया निरीक्षण, नगरपालिका पर लगाए लापरवाही के आरोप। जिला मुख्यालय पर शहर के कैंट में स्थित शासकीय गौशाला में बारिश के दिनों में कीचड़ होने से बदतर स्थिति में गाय रहने को मजबूर है। गौ सेवकों ने 30 जुलाई रविवार को कैंट गौशाला का निरीक्षण किया, जिसमें गौ सेवकों ने गुना नगर पालिका पर लापरवाही बरतते हुए आरोप लगाया है। नगर पालिका प्रशासन और सीएमओ द्वारा कैंट गौशाला की सही से देख रेख नहीं की जा रही है। गाय कीचड़ में रहने को मजबूर है। गायों को रात में बांधने और बैठने के नाम पर केवल एक टीन शेड है, जिसमें गायों की संख्या अधिक होने से गाय बैठ नहीं पाती। कैंट गौशाला में पड़ा भूसा भी सड़ा हुआ है, जिसमें से बदबू आ रही है। नगरपालिका को जल्द ही कैंट गौशाला में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये गौशाला आए थे आप, तो क्या समस्याएं हैं, क्या है? सर्वप्रथम तो जय गौ माता की। आज काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कैंट गौशाला की स्थिति बड़ी बेहद खराब है। आज सुबह बारिश को चलते आके देखा तो वाकई में यहाँ पे स्थिति बहुत खराब पाई गई है। आप देख सकते हो ये गाय माता, जिनको हम माता बोलते हैं, ये कैसी दरिंदगी में कैंट गौशाला में पड़ी हुई है। और इन गायों को रखने की व्यवस्था ये मात्र इतनी अकेली है, यहाँ पे गाय स्लिप होती हैं, गिरती हैं तो घायल हो जाती हैं। इसमें देख सकते हो आप कितनी गंदगी पड़ी हुई है, ना इंसान भी नहीं निकल सकता उसमें, अपन गाय माता को निकाल के अंदर कर रहे हैं। और इस साइड पूरे ग्राउंड में देखिए आप कितना कीचड़ पड़ा हुआ है। नगर पालिका से सीएमओ साहब से आज सुबह मेरी बात हुई, गुप्ता जी से, उन्होंने कहा कि शुक्ला जी से बात कीजिए आप। शुक्ला जी को मैंने फ़ोन लगाया तो आज उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका जो चाह रही है वो कर नहीं पा रही, और जिसमें गाय अपन रोक सकते हैं उसमें बारिश के चलते उस रूम में पूरा मलबा पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया भी है। और गायों के लिए खाने के लिए व्यवस्था जो भूसा है ना, उसमें खर की व्यवस्था है ना चूनी की व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं निवेदन करता हूं मैं एक गौ सेवक के रूप में कि सीएमओ साहब नगर पालिका इस पर ध्यान दे और गायों को सही व्यवस्था करें। पीजी कॉलेज से विधि कॉलेज तक जाने का कच्चा रास्ता कीचड़ में हुआ तब्दील। छात्र संगठन NSQI ने प्रचार्य को ज्ञापन देकर के सड़क बनवाने की मांग।
गुना शासकीय पीजी कॉलेज में छात्रों को हो रही परेशानी को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने पीजी कॉलेज प्राचार्य बीके तिवारी को 31 जुलाई सोमवार को ज्ञापन दिया है। छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में बताया कि पीजी कॉलेज से विधि कॉलेज तक जाने वाला कच्चा रास्ता बारिश में कीचड़ में तब्दील हो रहा है, जिससे छात्र छात्राओं को विधि कॉलेज तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कीचड़ में जूते कपड़े लिफ्ट जाते हैं, निकलने का रास्ता भी नहीं है। ऐसे में रास्ते पर कॉलेज प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। छात्र संगठन एनएसयूआई ने पीजी कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देकर प्रशासन से सहयोग लेकर पीजी कॉलेज से विधि कॉलेज तक जाने वाले रास्ते को पक्का बनवाने की मांग रखी है। जी भैया बताएं, आज ज्ञापन दिया आपने किस संदर्भ में? एनएसयूआई गुना परिवार द्वारा प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग रखी गई थी मेन रोड से विधि कॉलेज तक की रोड जो की कच्ची है, जिसकी बारिश के चलते हालत खराब हो गई है। तो प्राचार्य महोदय से निवेदन किया गया कि जल्द से जल्द शासन से मांग करके उस रोड को पक्की कराई जाए, जिससे छात्राओं को और छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम आपका? शिवम रघुवंशी, पीजी कॉलेज अध्यक्ष। नवागत कलेक्टर तरुण राठी ने किया पदभार ग्रहण। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नवागत कलेक्टर तरुण राठी द्वारा आज शाम पदभार ग्रहण किया गया। 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राठी इससे पूर्व प्रबंध संचालन मध्य प्रदेश स्टेट को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल तथा पदेन अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग का दायित्व संभाल रहे थे। पदभार ग्रहण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे। गुना आगमन के दौरान कलेक्टर राठी द्वारा गुना स्थित हनुमान टेकरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान पूर्वक पूजा कर दर्शन लाभ लिया। इसके पश्चात शाम 6 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। महाकाल समिति के सदस्यों ने केदारनाथ से जल लाकर प्राचीन शिव मंदिर का किया जलाभिषेक। मयाना में महाकाल सेवा समिति के सदस्यों की ओर से आज सुबह करीब 51 किलो जल अपने कंधों पर लाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। समिति के सदस्य हिमांशु नामदेव ने बताया कि हम सभी महाकाल सेवा समिति के सदस्य आज सुबह कांवड़ लेने के लिए प्राचीन सिद्ध स्थान केदारनाथ धाम गए हुए थे। वहाँ से हम कावड़ में जल भरकर लेकर आए। मयाना के सदर बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर सभी समिति के सदस्यों ने जलाभिषेक किया। कावड़ का जगह जगह फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। पूरी यात्रा के दौरान सभी भक्त बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आए। संवाददाता मोहन शर्मा की रिपोर्ट। जय श्री महाकाल। आज सुबह प्राचीन केदारनाथ धाम से प्राचीन शिव मंदिर मयाना में कावड़ यात्रा लेकर आए। उसमें हमारे मित्रों ने हमारा सहयोग किया और हमारा उत्साह बढ़ाया और हमारा जगह जगह पे स्वागत भी किया। कावड़ का वजन लगभग 51 किलो का था और हमने प्राचीन शिव मंदिर पर आकर जलाभिषेक भी किया उसका। और इस बार थोड़ी कम आई थी, अगली बार हो सकता है इससे भी बड़ा कुछ करें और भी बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं। तो जय श्री महाकाल। बिकाऊ कार्यकर्ता कांग्रेस के होते हैं, भाजपा में केवल टिकाऊ कार्यकर्ता हैं। गुना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन गुना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा जिला कमेटी के साथ ही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जीतने का मंत्र दिया। भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चेतन शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बिकाऊ कार्यकर्ता केवल कांग्रेस में है, भाजपा में केवल कार्यकर्ता हैं। लिखने की परंपरा कांग्रेसी रही, भाजपा का कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी और विकास के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में चेतन भार्गव बोले, कांग्रेस में विचलित कर रही है और हमें घबराना नहीं है। शहर की जनता को विधायक द्वारा 4.5 साल में कराए गए विकास कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो, इसके माध्यम से हमें जनता को अवगत कराना है। हमने रोड दिए, प्रतीक्षालय दिए, शमशान घाट दिए, बस स्टैंड दिए और अनगिनत विकास कार्य शहर को दिए। वहीं कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उससे हमें घबराना नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन धन से शहर के लिए बूथ स्तर पर कार्य करें। किसी से बहस नहीं करते, किसी से तर्क नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते, इन चारों चीजों के
कारण हमारी विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। इस विधानसभा को पुनः जीतेंगे, इसलिए मोदी जी कहते हैं हमारा बूथ सबसे मजबूत। अब एक बात हम जा रही है, लोग कहते हैं भाई साहब ये हमारा बूथ तो हम बहुत अच्छी तरीके से जीत रहा है, 51% के रूप में ऊपर जीत रहा है। उस बूथ का लक्ष्य क्या है? उस बूथ को कांग्रेस मुक्त बूथ करना है। एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को बूथ से नहीं मिलना चाहिए, तो आपका बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ हो जाएगा। तो कांग्रेस मुक्त बूथ हमको बताना है और परसेंटेज बढ़ाना है। इस विधानसभा के अंदर हमको 5000 वोट बढ़ाना है। 2 अगस्त से वोट बढ़ने वाले हैं, आप एक ही व्यक्ति के पास जाइए, वोट बढ़ाइए। जो फर्जी वोट है कांग्रेस के होंगे और फर्जी वोटों को डिलीट कराइए, उनको हटवाइए। 5000 वोट हर विधानसभा में अध्यक्ष दिया है पार्टी ने, हर विधानसभा के अंदर 5000 वोट बढ़ाइए। 51% वोट में हम लोग को बढ़ाना बूथों पर, जब जाके 64,000 वोट जीतेंगे। हमारे उन 8,000 बूथों की भारतीय जनता पार्टी प्रणाली बना रही है, उन 8,000 बूथों को हम जीतेंगे। इसलिए 64,100 बूथ जो मध्य प्रदेश के अंदर है, उनको जीतने का लक्ष्य हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर बनाना पड़ेगा, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, आज तक मायावी काम चल रहा है, भगवान श्री राम ने जब युद्ध लड़ा था उनके सामने मार्ग, उनके सामने मायावी आवा था, रावण आकाश में गायब हो जाता था, पता नहीं चलता था, फिर विभीषण ने कुछ राज बताया उनको। इसी प्रकार कांग्रेस की माया ने मीडिया हम लोग को परेशान कर रही है, हमारे लोगों को कंफ्यूज कर रही है। उस कांग्रेस की माया ने मीडिया में चक्कर में नहीं आया, आना है हमको अपनी सोशल मीडिया को मजबूत करना है। अपनी एक एक सोशल मीडिया मजबूत होना चाहिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, इन सब इंस्टाग्राम अपने जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन सब प्लेटफॉर्मों को मजबूत करो। आज का ये कार्यक्रम है, जितने भी कार्यकर्ता फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, इस बैठक की, इस सम्मेलन की पूरी मीडिया की कवरेज होना चाहिए। आप 4 नाम ले लो, 10 नाम ले लो, 2-4 फोटो डालिए, पूरे लोगों को पता चलेगा उन्होंने आज विराट यहाँ पर कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ है। रोज डालिए, जितने विकास के काम हुए जिला विधानसभा के अंदर, वो भी डालिए। अभी 5 साल के अंदर विकास के काम कराए, उस स्थान पर जाइए, 30 सेकंड का वीडियो बनाइए, आपको देखना है इस रोड पर खड़ा हो, इस रोड को भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगी राज ने बनवाया, ये बताइए जनता को, पता नहीं है ये हाईवे हमने बनवाया, हाईवे पर जाकर वीडियो बनाइए। कोई आपने विश्राम गृह बनवाया, कोई आपने शमशान घाट बनाया है, कोई आपने यात्री प्रतीक्षालय बनाया है, जो जो विकास के काम हुए अपने विधानसभा हमारे मंडल के अंदर हमारे बूथ पर आप बताइए। इसी में कहता हूँ, जो बोलेगा उसी का माल मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसका सोना नहीं रखा जाएगा। इसलिए बोलिए, बोलना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है। आप प्रचार नहीं करेंगे तो कांग्रेस के लोग हमारा को प्रचार कर देंगे, वो तैयारी कर रहा है, अनर्गल बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोशल मीडिया हमको मजबूत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पेज है, कितने लोगों ने लाइक किया, भारतीय जनता पार्टी के पेज को लाइक करिए, भारतीय जनता पार्टी के पेज पर रोज सोशल लाइक करके उसको शेयर करते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान, बीडी शर्मा जी की वीडियो को हम लाइक करते हैं क्या? उनके पोस्टों को शेयर करते हैं क्या? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है, लेकिन अपने सम्मेलन के पदाधिकारी, हमारे सम्मेलन का जो पेज है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, रिट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, तभी तो सम्मेलन आगे बढ़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी कठोर कर लेते हैं, लेकिन सम्मेलन का काम कितनी ईमानदारी से लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए सम्मेलन का काम, और उनको बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है। जो हमारी हंसी उड़ाते थे, जो नारा लगाते थे, टूटी जीत जन समान, जनसंघ की यह पहचान आज टूटी जीत नहीं है। आज संसारा में हमारे पास कार्यकर्ता, आज हमारे पास है, कई प्रदेशों में हमारी सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो हमारा उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर के अंदर है, आसाम के अंदर पहुंच चुके हैं, त्रिपुरा के अंदर हम पहुंच चुके हैं, हमारा प्रचंड बहुमत बढ़ता जा रहा है। लोगों को बताने की जरूरत है, ये प्रचार प्रसार करने की आप सभी कार्यकर्ताओं को जरूरत है। त्रिपुरा की सरकार कैसे बनी, 35,000 पन्ना प्रभारी भी गई हुई है अमित शाह जी के सामने, 35,000 त्रिपुरा के पन्ना प्रभारी है, तो अमित शाह जी ने कह दिया अब
त्रिपुरा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। त्रिपुरा हम दो बार जीत चुके हैं। ये हमारे पन्ना प्रभारी की ताकत थी, हमारे फ्रंट लाइन का जो वर्कर है जिसको हम पोलिंग एरिया कहते हैं उसका सम्मान भी हम लोग करना है। वो कार्यकर्ता ही है और टिकाऊ कार्यकर्ता का उनका जो अंदाजा है कांग्रेस से उन्होंने किया है। टिकाऊ जो कांग्रेस के अंदर है, हमारे टिकाऊ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिर सरकार और कुशल कर्णधार वाली पार्टी है। हम स्थिर सरकार चाहते हैं और हमारे जितने भी विधायक हैं सब कुशल कर्णधार हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है। वरना हम छुपने वाले लोग नहीं हैं, फिरने वाले लोग नहीं हैं, फिरने वाले लोग नहीं हैं, रुकने वाले लोग नहीं हैं। हम सतत चलने वाले और जनता के साथ चलने वाले, जनता का भला करने वाली सरकार। गुना में 7 और 8 अगस्त को आने जा रही है, इसको लेकर आप जिला संगठन की माध्यम से आपने क्या तैयारियां की है और किस हिसाब से अपने रूपरेखा जो बनाई है उसके लिए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया है? मध्य प्रदेश शासन की चल रही योजना हरित क्रांति के अंतर्गत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत द्वारा जिलाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में युवा अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव द्वारा यूनिटी पार्क गुना में पौधारोपण किया गया, जिसमें संरक्षक डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, महासचिव अजय श्रीवास्तव, सुधीर अस्थाना, उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ में पार्क में पौधों की देखभाल करने वाले कर्मचारी को माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। विषय है कि हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हमने पर्यावरण के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए पेड़ पौधे लगाने का एक निर्णय लिया, जिसमें मेरे द्वारा सभी कायस्थ बंधुओं को एक आह्वान किया गया था कि इस यूनिटी पार्क में आकर सभी एक एक वृक्ष अपनी तरफ से लगाने का प्रयास करें। तो आज हमने यहाँ वृक्षारोपण किया गया और हमारे द्वारा वृक्षारोपण किया गया और मैं आगे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि कुछ अपने इस विषय में जानकारी दें और कि हमारे ये चौकीदार महोदय हैं यहाँ पर जो कृपाल सिंह सोलंकी जी जो यहाँ पर सेवा देते हैं और पेड़ पौधों की अपने बच्चों की तरह सेवा करते हैं, तो हम इसका इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा सेवा भाव से ये कार्य किया है। सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। हमारे चाचा का सम्मान है गाड़ी चलाने के लिए और आप बड़ाई हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन की वर्तमान में चल रही हरित क्रांति के तहत हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा ये विचार किया गया, क्यों ना हम इस शासन की प्रक्रिया में हम अपना कुछ योगदान दे सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा यूनिटी पार्क में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, उसमें हमारे सभी पदाधिकारी हमारे श्री सुधीर जी, अस्थाना जी, महासचिव अजय श्रीवास्तव जी, महासचिव पंडित श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी, संरक्षक हमारे महेंद्र भैया, उपाध्यक्ष हमारे आपके दिलेश श्रीवास्तव जी, सचिव युवा अध्यक्ष हमारे अरविंद श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, मनीष श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, हमारा ये बालक, इस बालक ने बेचारे ने बहुत आज इस बालक के मन में ये प्रत्यक्ष हुआ कि आज मेरे को पर्यावरण के लिए कुछ नहीं, आज इस उम्र में इसको इतना प्रेम है तो भविष्य में ये अपने पर्यावरण के कितना इच्छुक होगा। इन्हीं सब के हमने पर्यावरण के प्रति एक संदेश दिया है और कोशिश की है कि हम 5 पेड़ हमारे हाथ से कुछ योगदान से लग सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा जो इस पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा है हमारे जो चौकीदार महोदय को हमने सम्मानित किया। चौकीदार महोदय, हम लोग तो पेड़ लगा के लेकिन जी उसको लालन पालन करते हैं, बड़ा करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय चित्रांत। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। बोलो जय चित्रांत। जय चित्रांत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना लेकर आएगी। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर निशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी। किसान कर्ज के बोझ से मुक्त हो इसके लिए कर्ज माफ किया जाएगा। शिवराज सरकार में अत्याचार का विरोध दर्ज करने पर
किसानों पर डाले गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसानों के बकायदा बिजली बिलों की राशि माफ की जाएगी। उक्त आशय के उद्गार आज कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ व अन्य पदाधिकारियों ने व्यक्त किए। साथ ही इस अनुरूप भोपाल में घोषणा करने पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। धाकड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषक न्याय योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए वचनबद्ध है। हमने योजना के तहत पहले चरण में कर्ज माफी की गारंटी दी है, वहीं दूसरे चरण में किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक के पंपों के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को हम सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने किसानों को एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसका नाम कृषक न्याय योजना उन्होंने शुभारंभ की है। उसके संदर्भ में वो योजना में मुख्य 5 बिंदु हैं। सर्वप्रथम 5 हॉर्स पावर की जो मोटर के कनेक्शन स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के फ्री में दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे किसानों पर पूर्व का पैसा जो बकाया है, जो डिफॉल्टर हो गए हैं जिनपे 1000 रुपये बकाया है, वो माफ किया जाएगा। और किसानों पे अन्य जो किसानों पे खाद बीज और इनमें जो दंगे वगैरह जो हुए हैं उन पर किसानों पे जो झूठे मुकदमा लगे हैं उन मुकदमों को वापस किया जाएगा। इसी तरह हमारे किसानों की कृषि उपज के पुराने बिजली के बिल बकाया राशि माफ की जाएगी और किसानों को 12 घंटे बिजली निर्बाध उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं के साथ साथ आदरणीय कमलनाथ जी ने विशेष तौर पर यह कहा है कि वर्तमान में जो शासन चल रहा है उसमें किसानों के लिए खाद बीज और दवाइयां ऐसी हर कोई बेच रहा है, बीज है तो हर कोई उपलब्ध करा रहा है। इससे किसानों के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है और किसान अपनी मनमानी कीमत वो लोग वसूल कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जब जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लोग सर्वप्रथम बीज की उपलब्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेंगे और जो लोग इस नियम में आते हैं वो लोग ही इस बीज को बेच पाएंगे। इसी तरह तो कृषि की जो दवाइयां और खाद आदि है, वर्तमान में हालत ये है कि कई वर्षों से किसानों को डंडा खाना पड़ रहा है, लाइनों में किसानों को लगना पड़ रही है। क्यों? ये यूरिया खाद और डीएपी खाद ये किसानों को समय पे उपलब्ध हो ही नहीं पा रहे, तो उनसे स्थिति ये है कि जब उनको ये खाद अपनी फसल में देना चाहिए तब वो खाद नहीं दे पाते और उनको समय पे खाद नहीं मिलता। इसी तरह इन सब चीजों की भी व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जाएगी। जो किसानों की जो उपज है उसका उचित मूल्य उनको नहीं मिलता। हमेशा देखने को आता है जब फसल जब निकलती है तो उनको भाव नहीं मिलता और जब भाव मिलता है तब किसानों के हाथ में फसल नहीं रहती और वो फसल व्यापारियों के हाथ में चली जाती है। इसी तरह किसानों का शोषण हर स्तर पर हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये 5 कृषक न्याय योजना के माध्यम से उन्होंने 5 ऐसी योजनाएं जो बनाई हैं वो विधिवत रूप से क्रियान्वित करेंगे और हमारे जो जिन जिलों में किसानों के जो मुकदमा कायम हुए हैं चाहे खाद की लाइन में लगने की वजह से या किसी और वजह से किसानों को हुए हैं तो उनकी जांच कराकर वो मुकदमे सब सारे वापस कराए जाएंगे। इसी तरह लाइट की जो वर्तमान में जो समस्या है कि समय पर लाइट की स्थिति ये है कि रात में और दिन में लोगों को पर्याप्त लाइट नहीं मिल पा रही और लाइट की कटौती इतनी हो रही है बार बार कि जिससे लोग बहुत भारी परेशान हो रहे हैं, तो एक सुचारू रूप से लाइट दी जाएगी और समय अनुसार निर्विवाद लाइट की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हमारे जो 30-40 साल पहले जो वो लाइट की जो व्यवस्था की गई थी
वो खम्भे आज तक लगे हुए हैं। कहीं किसी गांव में चले जाओ आप तो तार इसके नीचे लगे हुए हैं कि किसी की मूड़ी भी टकरा सकती है। इसी तरह किसी के खम्भे टेढ़े हो रहे हैं और खम्भे जर्जर हो रहे हैं, कभी भी कोई दुर्घटना जो घट रही है, तो इन सब चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। लाइट के ऊपर हमारी सरकार विशेष फोकस करेगी और जो हमारे किसान भाई हैं जो अधिकतर इन सब चीजों से परेशान रहते हैं उनकी ये सारी परेशानियां दूर की जाएंगी। इसी तरह किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने के लिए भी कई योजनाएं आगे और लाएंगे। इसी तरह जैसे आपके ओलावृष्टि और फसल अतिवृष्टा के कारण जो फसल नष्ट हो जाती है उसके लिए भी एक अलग से कोई ऐसा को बनाया जाएगा जिससे किसानों को इन सब की भरपाई पूर्ण रूप से हो सके। आज जी तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी उन्हें तो सारे लोगों ने घोषणा मशीन घोषित कर रखा है, वे तो घोषणाओं के अलावा उनके पास और कोई काम बचे ही नहीं है, ना उनके पास उनकी कोई मांग रहा। आप अभी भी उठा के देख लो कि लाइट की स्थिति क्या है। जिस स्थान से शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है 18 वर्ष हो गए, तब से कहीं भी जितने पुराने खम्भे पुराने तार और पुरानी डीपी जो रखी है वे ऐसी कैसी रखी है, इनके टाइम एक खम्भा चेंज नहीं हुआ और सब जर्जर हालत में है। आज किसानों की स्थिति ये है कि वो अपना पैसा निजी पैसा लगा के ठीक करा रहे हैं, अगर खम्भा टूट जाता है तो निजी पैसे से खम्भा ठीक करा रहे हैं और जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको पैसा दे के काम करा रहे हैं। आदेश आया था तो बोला है कि जैसे अगर उन कुर्सी जो भी सब चीजें हैं उनको वापस किया जाएगा और ऐसे लोगों का कर्जा माफ किया जाएगा जिन लोगों के बिजली का जो बकाया है वो सब माफ किया जाएगा। कुर्सी के हम जमीन को करने के आदेश कर रहे हैं, अन्नदाता भी चुनाव लड़ने की बात करती है सरकार है किसानों के और भी जमीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उन्हें सारी